और ये रहा प्यारा सा गिफ्ट, और बहुत ही सुंदर गिफ्ट है, बहुत ही महंगा गिफ्ट है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है और एक न्यू ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज रक्षाबंधन का दिन है और आप सभी लोगों को हमारी पूरी परिवार की ओर से हैप्पी रक्षाबंधन। और इस वीडियो को जितने हमारी बहन लोग देखते हैं, जितना हमें भाई मानते हैं, भैया मानते हैं, आप सभी लोगों को मेरी ओर से फिर से हैप्पी रक्षाबंधन सिस्टर लोग के लिए। और आज सुनता भी आ गई है कॉलेज से, सभी लोग हैं। आज हम लोग रक्षाबंधन मनाएंगे अपने तरीके से, काफी खुशी का पल है दोस्तों ये त्योहार, खास करके भाई बहन के लिए ना, क्योंकि पूरा भारतवर्ष में इस त्योहार को मनाते हैं। तभी लोग जाएंगे, तैयारी करेंगे, बहुत मजा आने वाला। हाँ, बहुत अच्छा। और दिखाते हैं लोग कैसे कैसे मनाते रक्षाबंधन का त्योहार। और अभी काफी कड़ा भी धूप निकल चुका है। हाँ, और ये दीदी आए सुनता को लेने, अभी जाना मोहल्ला तरफ। ठीक है, तो ना जाए, ये नहीं जाएगी, नीतू नहीं जाएगी, अभी हम लोग मार्केट चलेंगे ना, इसलिए क्योंकि रक्षाबंधन में सभी लोग अपना अपना मायके आते हैं ना, दीदी लोग है ना। हाँ। तो दीदी भी आए हुए हैं, ये बड़े पापा का ही बैठी हुई दीदी। आज काफी सारा इन लोगों को पैसा मिल रहा है ना, हमको मिला वो ले ली है। सभी लोगों को पूरा पैसा मिलेगा। हाँ। जितना भाई है सबके 500, 1000, 200, 400। हाँ। जिनका जैसा श्रद्धा हो, जिनका जैसा देने का इच्छा हो, जितना ये सब लोग देते, इन लोग को पैसा मिला हुआ ना। भाई मेरे तरफ से नहीं मिला अभी, अभी और भी भैया लोग हैं ना, उन लोगों को राखी मतलब इन लोग बांधे हैं तो मिला है। चले वो जा रही है, चले हम लोग भी चले मार्केट, चले। हैप्पी रक्षाबंधन नानी, नानी से बुलवाते हैं, हैप्पी रक्षाबंधन। आज राखी बंधन, बोले हैप्पी रक्षाबंधन, बोल हैप्पी रक्षाबंधन। हाँ, अभी अभी बोल पाई है नानी, हैप्पी रक्षाबंधन है ना। देख देख ये नहीं, तू देखो नानी बोल रही है, अंग्रेजी में बोल रही है ना। अब सभी लोगों को, क्योंकि बुजुर्ग का आशीर्वाद लगता है, जितने हमारी सिस्टर लोग हैं सभी लोग आशीर्वाद दीजिए है ना, जितने नतनी लोग देखते हैं वीडियो को है ना। चले चले दीजिए भाई, झोला दीजिए, नाना धोना फ्रेश होना, बहुत सारा भी सामान भी करना ना, झोला निकाल दीजिए ना, चलेंगे। ए बेटा मोबाइल नहीं, बाहर मिलेगा। प्रिया जी इधर निकालनी है, झोला निकाल के दे रहे हैं। इसको डालिए ना, इसको डिक्की में डालिए, खोलिए ना, प्रिया जी जानते ही नहीं खोलने के लिए, पहले जान रहे। नहीं जानेंगे, पक्का नहीं जानेंगे, उल्टा पलटा खोल देंगे। अरे वाह, हाँ डाल दीजिए डाल दीजिए। अरे झोला तो है, गैस पर बना। लाइट नहीं है। अच्छा, वो छोटा वाला गैस खत्म हो गया ना। कौन वाला लेके जाए, बड़ा वाला के छोटा वाला? छोटा वाला छोटा वाला तू कौन लेके जाएंगे? छोटा वाला, अच्छा निकाली निकाली। जय बजरंग बली, हल्का ही वाला, यही वाला भरा के लाते हैं, बाद में जाएंगे और बड़ा वाला भरवा के लाएंगे, क्योंकि ये स्कूटी में सुविधा होगा नहीं। हाँ ना, इसको टेम्पो में लेके जाना पड़ेगा किसी दिन, बड़ा गाड़ी में। एनी तू पकड़ो इसको, बैठो बैठो बैठो, बाहर निकल जाएगा, बैठो ना, आराम से जा रहे धीरे धीरे। दोस्तों मार्केट पहुंच गए, और देखिए ये गैस दुकान, तो वहीं से गैस भरवा लेते हैं। भाग भाग लगेगा लगेगा, चलो तुम लोग यहाँ गैस भरवा लिए, चलो साइड हो जाओ बेटा, चलते हैं आगे मार्केट में सामान लेने के लिए। तो गैस को हम लोग यहीं पे अभी रख दिए, छोटा वाला सिलेंडर को, मार्केट चलते हैं आगे, जा करके राखी मिठाई ये सब ले लेंगे, उसके बाद फिर तो चले। इधर आ चुके दोस्तों दुकान में, और देखिए कितना सारा राखी लगा हुआ है, रंग बिरंग की एक से एक राखी है, राखी का धागा का मॉल है क्या? पसंद ना था, ये है तो तुम उठो ले लो ना। हाँ ले लो, इधर का डगा हाल वालों के लग नहीं आए ना, केला देख रहे कि अच्छा अच्छा है ना, घर के लिए लेके जा रहे हैं केला। और सेब कैसे? कौन डासी, कौन डासो? और कौन डासी?
तो ये डायरेक्ट करना का नहीं मालूम तेरा। हो गया चलो यहाँ तुम ले लिए ना। आज बाजार में काफी सारे लोग आ रहे हैं सामान के लिए, तो ले लिया। अब यहाँ से वो लेते हैं मिठाई। अथी लड्डू किरा नहीं यार हो? चलो यहाँ से हम लोग लड्डू ले लिए मिठाई के लिए। ले चला चलो बेटा, हलवा पूरी बनाएंगे। और क्या क्या लेना है? रिया जी बोले थे क्या 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 बोले थे? दाल और आलू, वो भी ले लेते हैं राशन दुकान में। और दोस्त भी लोग पहुंच गए राशन दुकान, यहाँ से ले लेते हैं आलू और दाल। आज राशन दुकान आज सन्नाटा सन्नाटा लग रहा है। दाल तो कहती हरा हर दल तो दोस्त यहाँ से ले लिए दाल आलू और चना। रिया जी बोले थे सारा सामान ले लिया, हम लोग झोला में डालते हैं फिर चलते हैं। ले तो बोरी बोरी को चलिए सारा सामान ले लिए। अब घर चलते हैं सीधा। रिया जी का फोन आ गया। चलिए बात हो गई, फटाफट घर पहुँचते। थोड़ा देरी हो गया ना इसलिए चिंता रहता, क्योंकि अभी भूत प्रेत अभी हमारे पीछे पड़े हुए हैं ना। ले बट बट ले सामान हो गया और गैस भी हम लोग ले लिए गैस दुकान से। अब सीधा यहाँ से अब घर चलते हैं। ये चांदनी नहीं तो उठाओ गैस को उठाओ। चलो बैठो पहले बैठो। घर आ गए दोस्तों लोग मार्केट से सामान वामान लेकर के। स्कूटी को यहीं पे रख देंगे ना, यहाँ पे छांव है बहुत ज्यादा और वहाँ गर्मी लगेगा, धूप लगेगा ना, वहाँ धूप आ जाएगा पूरा। चलो उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ। स्कूटी वहीं पर रख देंगे, सारा सामान को लेकर चलते हैं। इसको उतारो नीचे उतारो। हो गया पापा मैं इसको उठा लेती हूं। स्कूटी इधर लगा दिए है। हाँ और सारा सामान भी ले लिए है। चलिए भाई कौन कौन सामान लेके कौन और जाएगा? हम पकड़े दो एक साल पकड़े पकड़ते हैं। 10 kg है ना वजन, इसीलिए अकेले नहीं थक रही है नीतू। घर हम लोग आ गए दोस्तों सामान लेकर के। नीतू चांदनी इधर घर को खोल रही है। चलो 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 बेटा चलो। क्या क्या सामान बोले थे जी? क्या क्या सामान बोले थे? दाल और आलू। दाल और आलू, दाल और आलू। देखिए सब सामान है इधर इधर इधर। हमको सब लगाने को लगाने को बड़ा। दोस्तों रेस्ट कर लिए थोड़ा सा, हवा हुआ लगा लिए। और नीतू भी चली गई अभी स्नान करने। और चांदनी अभी इधर, और चांदनी अभी इधर केला खा रही है। धूप भी काफी तेज अभी निकल चुका है, तो हम लोग भी नहाएंगे धोएंगे। पहले सबसे पहले आंगन को हम लोग साफ कर लेंगे ना, यहीं पे बैठ करके राखी बनवाएंगे आंगन में तुलसी पीड़ा के सामने में। तो पहले साफ सफाई कर लेते हैं। गाँव में कोई भी फेस्टिवल होती है गोबर से लेप लगाते, लेकिन ये घर को तो गोबर से लोग नहीं लेप लगाएंगे क्योंकि ये सीमेंटेड है। हम मोटर चालू करके आते हैं जी। दोस्तों मशीन को जोड़ करके आ गए और आ रहा पानी। हाँ भाई पानी चलिए देखिए पानी आ रहा है। बहुत ज्यादा गर्म पानी, वो वाला पानी, वो पाइप वाला पानी गर्मी लग रहा। हाँ ना हाँ ना आएगी तो गए थी तुम नहाने, हम लोग तैयार हो रही है पता नहीं। रुको रे नहाएंगे सभी लोग, पहले साफ करके नहाते हैं ना। दोस्तों खाटी वगैरह सब सामान को लोग बाहर निकाल दे। ले इधर खाटी नहाएगी, खटिया को बाहर बाहर निकालते हैं। यहाँ रखो धूप में, क्योंकि इसमें खटमट हो गया ना सब मर जाएगा। इसमें खटमल हो गया मर जाएगा ना। सारा सामान को इधर रिया जी भी निकाल रहे हैं, सब निकाल रहे हैं। पूरा भी आंगन को भी साफ करना है। चल धोना इधर शुरू कर रहे हैं घर को। पूरा अच्छा सबको भी साफ कर दे रहे हैं, बैठने उठने के लिए होता है ना। हाँ
काफी मजे से दो रहे हैं इधर, है ना। दोस्तों बढ़िया तरह से आंगन को पूरा साफ कर दिए हैं और हम लोग भी स्नान कर लिए। नीतू शालिनी रिया जी मतलब सभी लोगों लोग बढ़िया तरह से स्नान कर लिए और साफ भी हो गया हमारा आंगन। देखिए कितना भी अच्छा लग रहा ना, यहीं पे बैठ करके अभी राखी अभी बांधेगी नीतू और सुनीता। यहाँ तुलसी पर आ गए सामने में, पहले ऐसा नहीं था, पहले कैसा था? अच्छा नहीं था पहले, सामने भी जानती है। तो चलिए थोड़ा सा इन लोग कंघी वगैरह कर लेंगे, फ्रेश हो लेंगे, थोड़ा सा दिखाते हैं किस तरह से नीतू राखी बांधेगी। लीजिए भाई जल्दी जल्दी रेडी होइए। दोस्तों सभी लोग बढ़िया तरह से अदन तैयार हो गए, कंघी वगैरह भी कर लिए और इधर रिया जी भी तैयार हैं, लड्डू वगैरह निकाल रहे हैं। वो सामान क्या क्या लगता है ना वो रिया जी भी जुगाड़ कर दे रहे हैं, मतलब डाल दे रहे हैं थाली में। देखिए सारा सामान, चांदनी भी तैयार हो गई। कंघी की बेटा तुम लड्डू, अरे बाद में खाएगी, रुको अभी अभी हुआ नहीं, तुम खाने लग गई। चलो सब रेडी हो गया। देखिए इतना सारा लड्डू है दोस्तों, पानी है वो राखी है उसमें जो भी हम लोग लेकर के आए हुए थे, और ये है दिया, मिट्टी का दिया है ना। और ये सबसे अच्छा होता है मिट्टी का दिया, लेकिन फूल वाला है ना बहुत अच्छा लग रहा है, काफी सुंदर लग रहा है। और यहाँ ये बत्ती लगा दे रहे हैं रिया जी। चलिए सारा रेडी हो गया। इसका गिफ्ट कहाँ गया? इसका गिफ्ट ये देखिए, ये है नीतू का गिफ्ट। ऐसे सुंदर गिफ्ट लिए नहीं है, गिफ्ट का बदले उसको पैसा दे देंगे, क्योंकि ये इसे कपड़ा है, आप लोग देखे होंगे ये कपड़ा है, ठीक ना, क्योंकि सबका अपना अपना पसंद है, कैसा लेके आते कोई पता नहीं, साइज बनता नहीं बनता, कई तरह से बातें हैं, इसलिए वो खुद गई थी, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे इसीलिए पहले ही बता दे रहे, उसको पैसा मिल जाएगा। चलिए तुलसी पीड़ा के सामने ही करते हैं ना। और ये रहा प्यारा सा गिफ्ट, और बहुत ही सुंदर गिफ्ट है, बहुत ही महंगा गिफ्ट है, मतलब इसके लिए महंगा, मेरे लिए भी महंगा, क्योंकि कभी इतना बजट का कपड़ा नहीं पहनते थे, लेकिन ये है। चला चला पीड़ा पीड़ा देसी पीड़ा, लकड़ी का ही पीड़ा ज्यादा शुभ होता है। हाँ गिफ्ट भी रख दिए है। चांदनी मंत्र पढ़ो बेटा। नीतू का बोलो, नीतू मंत्र पढ़ो। ढक्कन तो छूट छूट लिया था, बाजार तो छूट लिया था। चांदनी ये सुनता का हो गया, अब नीतू का पारी है। नीतू का हाँ लड्डू नाच रहा इधर उधर। गाना गा रही ना, मंत्र पढ़ो मंत्र। चलो खुश रहो, बहुत पढ़ो, बहुत आगे बढ़ो। दोस्तों हो गया बढ़िया तरह से, नीतू भी राखी बांध दी और सुनता भी, अब बारी है गिफ्ट देने का। तो ये रहा नीतू का प्यारा सा गिफ्ट, है ना, काफी हंस रही, अपने पसंद से ली है, और सुनता को तो दिए नहीं, सुनता को पैसा देंगे भाई। ये देखिए सुनता के लिए पैसा है। चलिए अभी दान दक्षिणा भी देना चाहिए, और जितने ही भाई होते हैं सभी लोग देते हैं पैसा, है ना। ये जो है दोस्तों ये खुशी का ही त्योहार है, क्योंकि पैसा और गिफ्ट से तो कोई मोल नहीं है, ये भाई बहन का ये प्रेम का प्रतीक का ये त्योहार है ये। तो दोस्तों बढ़िया तरह से हो चुकी है राखी बांधा हुआ, दोनों बहन बांध दिए नीतू और सुनता। अब ये रहा गिफ्ट,
नीतू के लिए, बाकी सुंदर के लिए पैसा आती है, और भी पैसा देंगे अपने हिसाब से ले लेगी जब जाएगी हजारीबाग। तो चलिए सारा चीज ये हो गई बढ़िया तरह से। ये त्योहार जो होता है भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, धागे का त्योहार है। ये किसका है? देखिए यहाँ चिंकी विंकी भी आ गई, इसको भी चाहिए, ये चाहिए उसको भी, खरीद देंगे उसको भी। हो गया, चलिए देखिए चांदनी जरा के सो चुकी है, इसको नींद आ गया, तो चांदनी भी सो गई है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।